श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला हुआ व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आपको ये काम करना चाहते हैं, तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे छात्र ये नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, करण, मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरे मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। इस रात मेरा जन्म हुआ, उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँच कर मुझे हर वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठा ना, जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए, मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई ना। मेरे पास बचपन में शिक्षा थी ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानती थी। मेरा भी जीवन की चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर ये महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलब ही लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निगमों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती। जरूरत इज्जत खान। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, तो दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकते हैं। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन का बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वह खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी की, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वो लूट गया है। सही रास्ते पर चलना जहां मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकते। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगते हैं, डूबते डूबते हुए इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर है इंसान संभालने लगता है। असफलताओं पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। माँ की बात सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको बनाया, बस सर तो ये है, जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलब ही लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी एक असिस्ट एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेमनागर, ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छे किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा है, जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे ही नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण है, नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में मालिक का काम करता था। उसने राज महल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थी, जो फल पक जाते वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार कुशों का राजा उसे इनाम भी देती। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल है। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में, वह इस बारे में सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने नौकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। हुआ आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो मालिक के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर मालिक को लगता, वो कहता, भगवान तो बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वह अंगूर मालिक के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उससे अंगूर मालिक के ऊपर फीका और माली ने फिर से कहा, भगवान तो बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान मालिक है और चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, मालिक, मैं तुम्हें झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की दया कैसी है? मारी ने उत्तर दिया, महाराज, आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नाड़ी। में सोच रहा था आपके लिए कौन सा फल ना। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलो, और मैं अंगूर लिया। यदि मैं आम और नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा मालिक का उत्तर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में चिंतित, भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के पहले से ही हुई योजना का पता चल गया है। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया है। उसने भगवान
भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं। जबकि आवश्यकता है अच्छे समय के लिए हम भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने वो परिस्थितियां उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके हम बड़े मुसीबतों का सामना करने योग्य बन पाएंगे। इसलिए जीवन में आने वाले छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपके दृढ़ता की परीक्षा है, ऐसे समय में टूटे नहीं। ये साबित कर दे कि आप हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, उससे उबर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते। जीवन की खबर डगर पर चलकर या आप दृढ़ और मजबूत इंसान के तौर पर खड़े हो पाएंगे। दोस्तों,